हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 2407 किंग, वालेकुम अस्सलाम भाई जान। कल्प शाह, व्हाट्स अप ब्रो। भाई पैसु भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जिशान मंसूरी एड, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी बर्थडे भाई। अभी है, टाइम है बर्थडे के लिए, टाइम है भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या बोलते हैं बादशाह, शोएब मलिक, शोबी मलिक, व्हाट्स अप ब्रो। वालेकुम अस्सलाम, हेलो हेलो हाय। वालेकुम अस्सलाम भाई। मुस्तकीम 555 ऐड करो भाई, बिग फैन ब्रो। थैंक यू सो मच भाई। खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी गाइस, अगर आपको साउंड का इशू हो रहा है तो मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे रुक भी जा, मैं हाथ में पकड़ लूँ क्या। हेलो हेलो हाय ताहिर बादशाह, हेलो हाय आई एम शे, हेलो हेलो भाई, आपको मेरी कसम ऐड कर लो। ज़रूर भाई, करता हूँ करता हूँ। वलीम, हेलो हेलो भाई, हेलो सामू मलिक, हेलो हाय समीर, ऑफिशियल जोश ऐप, हेलो हाय, व्हाट्स अप जोश। सनी 11112, हेलो हाय हाय एमडी, हेलो ऐड करो प्लीज 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 प्लीज। तो सारे प्लीज आ गए, सबको ऐड करने की कोशिश करो गाइस। गाइज आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ का बहुत इशू है। ऐड करो भाई, जी भाई ज़रूर। मिस्टर मयूर 786, हेलो हाय। ब्यूटी बेब्स 786, माय नेम इज अलीशा, हाय हेलो हेलो। कैसे हो गाइज, कैसे हो आप सब। गाइज आप लोग को तो पता ही है, आज क्रिएटर्स डे और आप लोग सुबह से लाइव सेशन में हो गई, बहुत कुछ सीखने मिला होगा आज आप लोगों को तो। यस आ रही है आवाज़, थैंक यू। हाँ आ रही है, यस वी कैन हियर यू, थैंक यू। कल सनी स्कैन ऐड किए, हेलो। ऑफिशियल आसिफ खान 786, हेलो। कैसे हैं फैसू, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। मंतशा 574, हे हेलो। ऑफिशियल सलमान ऐड मी ब्रो, हेलो हाय। आई थिंक आई एम गोना चेंज माई नेम अगेन, मैं आपका नाम वापस से ले लेता हूँ। शीनो कैसे हो आप। शाहिद हेलो हाय। स्टंट राइडर सूफी हेलो हाय। जाकिर अली हेलो। जिया भाई फैन पेज को ऐड कर लो प्लीज़। भाई मैं सबको ऐड कर रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबको ऐड करूँ। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू। काशन हेलो। वालेकुम अस्सलाम ऐड मी ब्रो। गौरव जानी हेलो हाय। भाई आपके बाल बहुत अच्छे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाई रात में तेल लगा के सोना और आपके भी अच्छे हो जाएंगे। हेलो हाय हाय। दराज देशमुख सर मेरा नाम ले लो प्लीज़। मिस्टर आयुष 80। स्टंट राइडर सूफी कैसे हो ब्रो, मैं अच्छा हूँ। मुस्कान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई एम मिशू, हेलो हाय। लव फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश गाइस व्हाट्स अप।
आई एम फ्रॉम केरला, शहीद फ्रॉम उन्नो। गाइज मतलब इंडिया के हर एक कोने में हो आप लोग। नाम ले लो एक बार जी, जरूर जरूर। इट्स मोनिज 09, ऐड करो भाई, जरूर ऐड करता हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम दो। मी माय क्रश, हेलो, थैंक यू सर। नाम ले लो मेरा राहुल, हेलो हाय, व्हाट्स अप। शाहिद, हेलो हाय भाई, मेरा नाम ले लो प्लीज। वैसे भाई मेरा नाम ले लो प्लीज। मतलब मैंने गलत किया क्या शुरू में सबका नाम लेते रहते? गाइज आप लोग ना मेरे लाइव में आके ना सिर्फ आप क्या आते हो, नाम बुलवाते हो, कुछ पूछते नहीं हो। मैं जलेबी हूँ, मैं नाम चेंज किया है। अच्छा शीनो, अफगान जलेबी, लव फ्रॉम वेयर? कैनेडा, लव फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू। प्लीज मेरा नाम ले लो गाइज, इंडिया के बाहर भी। क्या बात है भाई, मेरा नाम ले लो, आपकी आइज बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच। जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सोया नहीं हूँ अच्छे से। क्या हाल चाल है सागर मिद्दा, सब अच्छा है? गाइज मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करो कि मैं और किस टाइप के कंटेंट बनाऊँ। जुनेद सेंसेशन, बाद जिम, हाँ अभी जाऊँगा लाइफ के बाद, जिम में भी एक शूट है, मैं सही से सोया नहीं हूँ अभी। वर्कआउट करते करते कैसे करूँगा? वैसे भाई मेरा नाम ले लो, हेलो अशोक सिरा, खाना के लिए आई लव यू, प्लीज़ यार ऐड कर लो भाई। हेलो हेलो हाय, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू। जयपुर से हो भाई, थैंक यू सो मच भाई। गुड हेयर डे, गुड हेयर डे, यस ब्रो गुड हेयर डे। हे फैसू, कैन यू सी मी? यस आई कैन सी यू। नितेश 9215 एक्सेप्ट कर लो, अभी क्या नया आ रहा है? हाँ भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है और आता ही रहेगा इंशाल्लाह। सेम ईयर जुनेद सेंसेशन, भाई मैं दुबई में हूँ इस टाइम पे, प्लीज़ इस टाइम पे प्लीज़ नाम ले लो आप एक बार। क्या है फैज, फैज भाई, हेलो हाय 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 गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस मैं अभी अपनी टीम को लाइव सेशन पे लेता हूँ, उनसे कुछ बातें होंगी और बहुत सारी चीज़ जानने मिलेगी। मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ आपको आज सीखने भी मिलेगी इंशाल्लाह, और आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगी। तो मैं सबसे पहले सागर सर को ऐड करता हूँ और विशु सर को ऐड करता हूँ। सो गाइस अभी मैंने सागर सर को ऐड किया हूँ अपने लाइव सेशन पे, मेंटर है। हेलो सागर सर, हाउ आर यू? हाय फैजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, वेरी गुड, लेट्स very good, very excited to see you on this live feed. I'm also waiting for Vishu to join us. Now, aap dekh rahe ho? Haan bilkul, I always see you. 67 pe aa gaya hu. It's always great to see your lives because how you do them. Where is Vishu? Let's look for Vishu. Yes sir. Sagar sir, aapke sath collaboration karna padega mujhe. Yeah, that'll be fun. For the engagement, I had noticed. Yeah. Hello, Vishu sir. अरे सर मत बोलो यार, विशु बोलो। हाय फैजू, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। शुरू करें फिर? जी जी जरूर, बिल्कुल। तो सबसे पहले मतलब सब तो फैजू को जानते ही हैं और सागर सर आपको कौन नहीं जानता, बट थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। तो मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं विशु के नाम से भी लोग मुझे बुलाते हैं, और मैं फेसबुक के मीडिया टीम का हिस्सा हूँ, और उसके चलते मुझे फैजू और उनके जैसे कई क्रिएटर से काम करने का मौका मिलता है। और फैजू ने ऑलरेडी बताया आपको कि आज एक बहुत खास दिन है हमारे लिए, हम क्रिएटर डे इंडिया मना रहे हैं, और उसके चलते ये जो कॉन्वर्सेशन है एक बहुत ही खास कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि हम फैजू से उनके सफर के बारे में बात करेंगे। और बहुत अच्छा है कि सागर भी हमारे साथ हैं,
तो चलिए शुरू करते हैं फैजू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो मैं एक्चुअली देख रहा था, जैसे आप लाइव में लोगों को ऐड कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों से बातचीत कर रहे थे, और वो बहुत ही अनोखा है मतलब आपका स्टाइल। तो पहले मैं वही पूछूंगा आपसे कि हम जो है बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन में उन्हें आपकी बातचीत से कुछ सीखने को मिले इस आधे घंटे में। तो उसी उसी इरादे से हम ये बातचीत कर रहे हैं खासकर। तो ये जो आपका जुड़ाव है अपने अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, ये जबरदस्त है। मतलब ये कोई रातों रात की कहानी नहीं है। तो थोड़ा बताइए कैसे आपने ये कनेक्शन तैयार किया आपने, और कैसे उसको आप बरकरार रखते हैं? मैंने ये कनेक्शन को हमेशा से बरकरार रखा मेरे फैंस लोग के बोलने से, क्योंकि बेसिकली इन द एंड मैटर करता है आपका कंटेंट। और हमेशा से मेरे लोगों ने मुझे इतना प्यार किया है, इतना सपोर्ट किया है, इतने अप्स एंड डाउन्स भी आए, उन लोगों ने उस वक्त भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें मेरा कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता था। तो बेसिकली मेरा स्टार्ट से जब मेरा मोटिव था, जब मैं सोशल मीडिया पे आया था, तो मैंने तो अपना मतलब एक करियर नहीं बनाया था कि मतलब ये मेरा करियर है, मैं लोगों के लिए ऐसे कंटेंट बनाऊंगा, फैमिली कंटेंट बनाऊंगा, सोच के आया था कि मतलब आज ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब ये सब होते गया, जिस तरीके से लोगों का मुझे प्यार मिलते गया, सपोर्ट मिलते गया, और लोगों ने इतना सारा इंटरेक्शन मिला मुझे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हालांकि मैं अगर अपनी सीक्रेट बात बताऊं, जो आज तक मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे बताया ही नहीं हूँ, कि बिल्कुल 5 साल से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो 3.5 साल तक मैंने इसको अपना करियर नहीं बनाया था। मैंने यही सोचा था कि मतलब हाँ, सोशल मीडिया है, हर कोई यूज करता है, मैं भी यूज करूंगा, मैं भी अपडेट दूंगा, मुझे भी लोग देखेंगे, वीडियोस बनाऊंगा। बट एक अलग ही प्यार मिलने लगा लोगों का, सपोर्ट मिलने लगा, और वो मेरी एक ही चीज से था, जो कि मैंने उस चीज को हमेशा से बरकरार रखा, उसको हमेशा से एकदम पॉजिटिव रखा, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो बिल्कुल बेसिकली मैं बताऊंगा मेरे कॉन्टेंट के बारे में, कि हमेशा से मेरा एक ही मोटिव था कि अगर मैं कंटेंट बनाऊं तो वो फैमिली कंटेंट हो, जब पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करे, हर कोई देख सके। ये ना हो कि मतलब कभी मेरा कंटेंट आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो मतलब वो देख के थोड़ा सा उन्हें भी इनसिक्योर लगे कि मतलब ये किस तरीके का कंटेंट है। तो हमेशा से मैं पहली प्रायोरिटी अपना कंटेंट रखा, रेगुलर अपडेट दिया। बहुत सारी चीजें थी जो मेरी लाइफ में, हो सकता है कि अगर मेरी टीम ना होती तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। जरूर मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो वक्ती तौर पे मैं स्टार्ट करूंगा कि बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म थे जो स्टार्ट में आए थे, और सारे प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत अच्छा कर रहा था। स्टार्ट में मैं डब्स वगैरह करता था, तो उसको कंपाइल करके मैं फेसबुक पे डालता था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद में अलग अलग प्लेटफॉर्म आने लगा, फिर अभी माशाल्लाह इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया रील्स, जहाँ पे हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखा रहा है, हर कोई अपनी अपनी अंदर की खूबियां बता रहा है। तो इस तरीके से मैंने भी पूरी कोशिश किया कि जिस तरीके से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपडेट होते हुए आया था, तो इनशाला मैं इस पे भी करूँ, और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सही है, तो बहुत। मतलब ये स्ट्रगल के इसमें मैं आप अपडेट सॉरी सुन पा रहे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मतलब खासकर जब आपने रील्स का जिक्र किया, तो मैं आपके फॉलोअर्स को बताऊं, मतलब उन्हें शायद पता होगा ऑलरेडी, लेकिन पिछले 1 साल में आपने 1 करोड़ के ऊपर जो है फैंस जोड़े हैं अपने इंस्टाग्राम पर, और लगातार, मतलब ये आसान बात नहीं है कि आपने लगातार बहुत ही एंटरटेनिंग कंटेंट, जैसे कि आपने कहा रखा है, बहुत सारे हमने देखा है कि आप कॉमेडी के साथ भी अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने बहुत हाँ जबरदस्त कुछ कोलैब्स भी किए हैं। तो जो नए जो ऐसे उभरते क्रिएटर्स आपके जैसे बनना चाहते हैं, जो वो जरूर समझना चाहेंगे कि इस समय खासियत क्या है, मतलब कोलैब करने से क्या फायदा होता है, मतलब मनोरंजन के तौर पे भी, और ओवरऑल आपको आपको क्यों अच्छा लगता है कोलैब्स करना, और थोड़ा उसके बारे में। आज के टाइम पे अगर हम कोलैब कर रहे हैं, तो मतलब हम अपनी ऑडियंस को और नंबर ऑफ ऑडियंस को और बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे हमारे पास जो हमारे कंटेंट की ऑडियंस है वो तो है, और बेसिकली हम जिसके साथ कोलैब करेंगे तो उसकी भी ऑडियंस हमें जरूर मिलेगी। और एक फन है ये, बहुत मजा आती है कोलैबोरेशन करने में, बहुत एंटरटेनिंग लगता है। और अच्छा तब लगता है कि जब जैसे हम जो वाइब के कंटेंट बनाते हैं, जैसे क्लीन कंटेंट हो, फैमिली कंटेंट हो, कॉमेडी कंटेंट हो, रोमांटिक कंटेंट हो, डांस कंटेंट हो, जैसा भी हो, और अगर सामने वाले के साथ में कोलैबोरेशन करो जो कि बेसिकली उसकी भी ऑडियंस वैसी कुछ है, तो वो फट से फॉलो करती है, और वो बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो कोलैबोरेशन में भी मजा आता है, वो फॉलोअर्स आने में भी मजा आता है, और बहुत अच्छा लगता है जब अकाउंट वो वीडियोस पे या वो फोटो पे रीच जाती है। तो सही बात है, मतलब सारे पॉजिटिव मिलके और भी एक बहुत, मतलब जैसे हम कहते हैं मोर देन द सम ऑफ द पार्ट्स बन जाता है।
तो अब सागर हमारे साथ हैं, तो जरा सा ध्यान हम अब सागर की तरफ लेके चलते हैं। तो सागर, मतलब ये तो जाहिर बात है, मतलब जिस तरह का सक्सेस फैजू ने बहुत ही कम उम्र में हासिल किया है, उसमें उनके टैलेंट का और मेहनत का तो जरूर बहुत सारा हिस्सा रहा होगा। मगर हमेशा ये जरूरी है कि क्रिएटर अकेला नहीं होना चाहिए, उसके अराउंड एक अच्छी टीम होनी चाहिए, भरोसेमंद कोई एक अच्छा मेंटर होना चाहिए। और मुझे पता है, मतलब मैं भी कुछ सालों से आप लोगों के साथ जब भी मैंने काम किया है, मुझे याद है समीर सर हमेशा बहुत ही एक्साइटेडली फैजू के बारे में बात करते थे। आज वो अब हमारे साथ नहीं है, मगर उस समय साथ में आप हमेशा बने रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मतलब बिल्कुल, मतलब खुल के आप बताइए कि फैजू के बारे में आपको सबसे खास बात क्या लगती है। सो बिल्कुल ना सर। हाँ, सो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि समीर वाज द फर्स्ट पर्सन हु सॉ फैजू एंड सेड कि ये बंदे में बात है। एंड ही वाज वेरी यंग, मतलब ही डिडंट हैव द मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ही डिडंट हैव द मिलियंस ऑफ रीच, बिल्कुल न्यू था, राइट? एंड समीर काइंड ऑफ एंड द रिलेशनशिप वाज सच कि मैं थोड़ा सा ना, मतलब वो डांटने वाला था और समीर वाज द सॉफ्टर वन। अभी समीर अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ में नहीं रहे, तो आई हैव टू टेक द सॉफ्टर साइड विद फैजू ऑल्सो, राइट? एंड पहले दिन से आई ऑलवेज हैव फेल्ट एक चीज, एंड आई हैव सीन हिम ग्रो, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से आई हैव सीन हिम ग्रो इनटू दिस बिग सुपरस्टार। और मैं उसके बारे में ना तीन चीजें कहना चाहूंगा और बिल्कुल जल्दी से बोलूंगा। सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा हम्बल है। सो ही हैजंट चेंज, वो आज तक के चेंज नहीं हुआ है। व्हेन ही डिडंट हैव टू मेनी फॉलोअर्स टू नाउ द 20 मिलियन, 30 मिलियन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीवेयर, ही हैजंट एट ऑल। So whenever I talk to him, it's the same Faizu, right? That's one. Second part is that जो मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है, जो है हमारे जैसे लोग, जो आप जैसे, हम जैसे, हम स्ट्रैटेजी, कंटेंट, नंबर्स, ये सारी चीजें बात करते हैं, पर स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती तो काम आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम अगर कुछ सोचते हैं कि चलो कल से बहुत सारा कंटेंट कॉमेडी जैसा बनाएंगे या डांस वीडियो बनाएंगे, तो फैजू में एक खास बात है कि अगर उसको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो दूसरे दिन पूरी की पूरी कर लेता है। मतलब ही विल एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजी इनटू रियलिटी विदाउट यू इवन रियलाइजिंग अबाउट इट। सो दैट आई लव अबाउट हिम। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से इज, एज अ क्रिएटर यू हैव टू बी एबल टू डिलाइट पीपल, राइट? एंड मुझे ये जरूर लगता है कि जब भी फैजू कोई प्रोजेक्ट पे जाता है, और ये छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एक पहली हमारी वेब सीरीज की थी, और हमारे लिए सारे माइलस्टोन्स बहुत मायने रखते हैं, राइट? हमने अपनी पहली वेब सीरीज की थी, और तभी हमको नहीं पता था, ऑब्वियसली वी ऑल आर लिटिल स्केर्ड कि 30 सेकंड्स का कंटेंट तो कर सकते हैं, 15 सेकंड्स का कंटेंट कर सकते हैं। एक शो को अपने कंधों पर 8 एपिसोड तक के कैरी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड ऑब्वियसली वी ऑल वर रेड, मैं और फैजू बात कर रहे थे, पर बिफोर दैट शो स्टार्टेड, फैजू एक्चुअली went and prepared with on that on those scenes for a month. So this is the dedication. And once he went on the floor, all of the people turned around and said, "This is not possible that he's acting इतने बड़े शो पर पहली बार. He looks like an actor who's already been acting. And that is the dedication which I really love about him. And that's all I have to say. तो हम्बलनेस, डेडिकेशन और एक मतलब अनपैरेलल एनर्जी, मतलब कोई भी चीज में जो अपनी एनर्जी को ले आते हैं, बिल्कुल। मैंने फैजू को हमेशा एकदम कूल और काम देखा है। कभी जो बहुत थोड़ा बहुत वो परेशान होते हैं, वो तभी होता है जब कोई बात उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आती है, मैंने देखा है। लेकिन बाकी वो हर चीज को बहुत सिंपल रखते हैं और एकदम काम पे फोकस रखते हैं। तो फैजू, ये तो बिल्कुल मुझे पता है कि आपको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और उस बारे में हम और भी बातें करेंगे। जरा सा हम और रील्स के बारे में भी आपसे सुनते हैं कि रील्स में कौन से फीचर्स हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक आपके काम को और अच्छा निखारने में वो हेल्पफुल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली मैं सबसे पहले बात करूंगा, तो आज के टाइम पे सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है फिल्टर्स, क्योंकि उन्हें सबसे अब ज्यादा अपने आप को, खुद को अच्छा दिखाना बहुत जरूरी है। मैंने एक नया फीचर देखा अभी जो बहुत से लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, तो मैं वो फीचर के बारे में बात करूंगा। तो जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल कैमरे से एक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, रील से नहीं, नॉर्मल कैमरे से, आईफोन के कैमरे से या नॉर्मल कैमरे से शूट करते हैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो नॉर्मल कैमरे से भी हम लोग वो रील्स के फिल्टर एड ऑन कर सकते हैं अपलोड करने से पहले।
बाद में मुझे पता चला कि मतलब हम लोग यहाँ से भी फिल्टर वो एड ऑन करेंगे तो वीडियो और ज्यादा, तो मेरी लास्ट वीडियो अभी जो मैंने डाला हूँ वो मैंने DSLR से शूट किया था, वो रॉ फुटेज में बहुत नॉर्मल लग रही थी बट उसपे फिल्टर डालने के बाद वो एकदम ऑसम लग रही है, तो मतलब वीडियो में जान आ गई है, बहुत ज्यादा लग रही है। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है इंस्टाग्राम पे जो मैंने मतलब इतनी आसानी से और इतनी क्लीन तरीके से वीडियो शूट भी हो जाता है, इतने क्लीन तरीके से वीडियो अपलोड भी हो जाता है, समझ में भी नहीं आता है कि मतलब इधर पे कहीं कट्स लगा है। और जैसे कि अगर मैं कोई जैसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स में से मैं एक ये फीचर्स की बात करूंगा कि जैसे हम अगर कोई नॉर्मल ट्रांजिशंस वीडियो बना रहे तो जैसे हम कट की वीडियो बनाते हैं जैसे इधर से रख के सेकंड कट इधर, वो इतना स्मूथ होता है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने मतलब इसमें कट में वीडियो डाला है, डायरेक्ट एक ही कट की वीडियो लगती है कि नॉर्मल एक ही स्पेस में 360 कैमरा घुमा है। तो वो एक फीचर, मतलब एक स्मूथनेस उसकी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सारी बातें मैं उम्मीद करूंगा कि हम यू नो इंस्टाग्राम टीम वाले भी सुन रहे हो, क्योंकि खासकर इंडिया में हम जानते हैं कि लोग रील्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है। और मुझे याद है आपने एक वक्त हमें फीडबैक दिया था कि रिमिक्स आने के पहले कि आपको ऐसा ही फीचर चाहिए था, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आपके फैंस आपके कंटेंट पे रिमिक्स बनाते हैं, मतलब एक जादू की तरह है वो कि जहां आप कोई भी नई चीज़ बनाते हैं और इमीडिएटली आपके फैंस उसके ऊपर जुड़कर और उसके यू नो वर्जन बनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि आपके कंटेंट हमेशा ट्रेंड से थोड़ा आगे रहता है, वो कैसे होता है, मतलब क्या जादू है उसके पीछे, या मेहनत है? पता नहीं, मेहनत है और जादू तो नहीं कहूंगा मगर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप नई चीजें लोगों को दिखाओगे उतना ज्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, भले वो ट्रेंड में ही क्यों ना हो, भले वो आपका खुद का कोई रियल कॉन्टेंट ही क्यों ना हो। तो मेरा तो मेन मोटिव यही है कि अपनी चीजें तो भाई पूरी रेडी करके आप साइड में कर दो, आप एक्सप्लोर में देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको कुछ ना कुछ और नया मिलेगा जो आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा हमेशा से यही होता है कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम है ना इंस्टाग्राम पे रील्स में नए कॉन्टेंट पे देखने पे देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं फॉर यू सेक्शन पे चेक करता रहता हूँ कि लोगों ने क्या बनाया है, कुछ नया क्या आया है, क्योंकि डेली लेवल अप हो रहा है, डेली अपग्रेड हो रहे हैं लोग, मतलब इतने क्रिएटिव है लोग, इतनी इतनी तरीके से ऐसे ऐसे कॉन्टेंट बना रहे हैं जो मतलब आज के टाइम पे कोई एक फोन से बना ले वो टाइम पे अगर कोई सोचे कि फोन से बन सकता है कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता मैं। तो ऐसी ऐसी चीजें क्रिएटिव बन रही है और मैं तो चाहता ही हूँ कि मतलब वो सारी चीजों में मैं रहूँ, मुझे पसंद है वो चीज, तो बस और अपडेट एक्चुअली। और ये शायद सुन के सबको ये जरूर सीखने को मिल रहा होगा कि मतलब क्रिएटिविटी और अपने परफॉर्मेंस के अलावा ये जो आप पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत जरूरी है, अहम है। सागर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि फैजू जैसा उभरता सितारा, मतलब जिसकी मतलब ऊंचाई की कोई मतलब ये नहीं है, और आप जरूर चाहेंगे कि अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है और बहुत सारी नए पड़ाव और भी आने हैं, मगर कैसे आप इस बात का ध्यान रखते हो कि यू नो कि फैजू की जो भी इच्छाएं हैं जो भी वो उसकी उम्मीदें हैं आप उस पर मतलब खड़े उतरो, उन चीजों पे आप ध्यान दो, कैसे ये मतलब सही में अगर मैं पूछूं तो ये जरूर इसका कोई सीक्रेट सॉस होगा, क्योंकि मतलब एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से एक टैलेंट को ऑलमोस्ट एक ऐसे यू नो अपने गोदी में खिलाने टाइप की एक फीलिंग है आई थिंक, कि उनके सारे बातों का आप कैसे ध्यान रखते हो, क्या है उसके पीछे सीक्रेट? एक्चुअली बहुत सिंपल है, पहले होता है कन्विक्शन और बिलीव, राइट? जब आप किसी चीज में बिलीव करते हो तो अभी आई मीन दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, दिस इज नॉट कोक्स्ड, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि एज ए टैलेंट फैजू सब कुछ कर सकता है, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। और ये जेन्युइन बिलीव ही मुझे काम करवा सकती है और हमारी पूरी टीम को काम करवा सकती है @QQ, राइट? तो हम जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि ये जिसको जो करना है ये कर सकता है। अभी इसके पीछे अब ये स्टार्ट पॉइंट है, इसके बाद में देन द रियल वर्क स्टार्ट्स। अगर आप बिलीव करते हो देन यू विल स्टैंड, हर चीज पे एक स्ट्रेटजी बनती है, राइट? हाउ डू यू लेवल अप? सो इफ इट रिक्वायर्स फॉर यू टू लर्न हाउ टू डांस यू विल डू दैट, इफ इट रिक्वायर्स फॉर यू टू टेक योर एक्टिंग चॉप्स अहेड आप वो भी करोगे, इफ इट रिक्वायर्स फॉर पीपल टू यू नो कम एंड कोलैबोरेट विद यू एज ब्रांड्स जहां पे क्लोथ स्पॉन्सरशिप्स ये सारी चीजें आती हैं आप वो भी एक आर्टिस्ट के साथ में पूरा ये चीज बनाते हो, तब फिर एंड यू स्टार्ट ड्रीमिंग टुगेदर क्वाइट फ्रैंकली, यू नो अभी जैसे आई मीन सारे ड्रीम्स तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट इट इज अ विशलिस्ट, जो सेम विशलिस्ट मेरी है वो फैजू की है, राइट? हम दोनों की ये विशलिस्ट साथ में चलती है, कभी कभी हम थोड़ा जल्दी डिलीवर कर देते हैं तो फैजू कहता है अरे वेरी गुड, कभी फैजू कहता है अरे ये नहीं हो रहा है तो चलो लेट्स वर्क सम मोर,
बट क्वाइट फ्रेंकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आर्टिस्ट के ड्रीम्स को समझो, और समटाइम्स वो आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई ऐसे नहीं बोलता कि मुझे ये करना है, दिस इज ओवर कॉन्वर्सेशंस, आप मतलब 10 कॉन्वर्सेशंस के थ्रू आपको एक स्टोरी मिलती है कि अच्छा इसको इधर जाना है, राइट, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू, और इसको आपको एनेबल करना पड़ता है, राइट, सो वेदर इट्स कोलैबोरेशंस, और अभी जैसे जब पैंडेमिक जैसे जैसे खुलता जाएगा, आई थिंक आई विल जस्ट से कि एक चीज, वॉच द स्पेस वेयर वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट मोर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, वेयर वी आर गोइंग टू टेक दिस प्रोजेक्ट मच मच बिगर. अमेजिंग, थैंक यू, एंड दैट्स आल्सो अमेजिंग टू हियर कि यू नो इस तरह का एक यू नो आपसी समझदारी है, एक दूसरे पे भरोसा है, और आई लव व्हाट यू सेड कि यू ड्रीम टुगेदर, मतलब जहां एक फैजू का ख्वाब आपके अपने ख्वाब के जैसा जरूरी है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. फैजू, बहुत सारे उभरते, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे उभरते क्रिएटर आज आपको सुन रहे होंगे, है ना, तो कुछ मतलब आप एक प्रो लेवल पे चले गए हो, शायद आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता होगा, लेकिन जरा हमें बताइए कि आपको, अब जरूर है कि आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन ओवरऑल आपका ध्यान जो कंटेंट पर हमेशा बना रहता है, उसकी प्लानिंग आप थोड़ा बहुत कैसे करते हो, मतलब एक हफ्ते में आपका दिन कैसे गुजरता है, कैसे आप अपने काम को, ये जो आपने बताया कि आप रिसर्च भी करते हो बैठ के, तो उसका थोड़ा सा ढांचा क्या है बताएंगे, तो आई एम श्योर लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा. मैं कहूंगा और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली प्रायोरिटी है सोशल मीडिया के लिए अपडेट. जितना ज्यादा आप अपडेट रहोगे उतना ज्यादा आपका खुद का विजन खुलेगा आपकी वीडियोस को लेके, कि आप किस तरीके के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप किस तरीके की ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो, आप किस तरीके की इंगेजमेंट, किस तरीके का कोलैबोरेशन, किस तरीके से आप अपनी पोजीशनिंग बना सकते हो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. तो स्टार्ट मैं इसी से करूंगा, रेगुलर अपडेट. जितना ज्यादा आप रेगुलर अपडेट रहोगे उतना ज्यादा फॉर यू सेक्शन में रहोगे, फिर ऐसा एक मन की चाह आ जाती है कि यार इससे अच्छी और बनाता हूँ, इससे अच्छी और बनाता हूँ. मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, मगर आज भी मैं अगर लास्ट फोटो लेता हूँ ना, तो मतलब लास्ट फोटो लेने के बाद में मैं सोचता हूँ कि अब जो मैं फोटो डालूंगा ना, वो उससे अपग्रेड होनी चाहिए. इंगेज वहां से ही आएगा, लाइक्स वहां से आएंगी, लोग इंटरेक्ट वहीं से करेंगे, कॉमेंट्स वहीं से आएंगे, फैंस, बहुत सारे फैंस आएंगे, बहुत सारा प्यार मिलेगा. तो हमेशा से मेरा यही था. दूसरी चीज गाइस, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, क्लीन कंटेंट क्रिएट करो, इन द एंड वही चलता है. आप बहुत सारी चीजें जो अलग तरीके से, लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोगों का अलग अलग सोच होती है कंटेंट को लेकर, और वो क्रिएट भी करते हैं, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे, जब से मैं आज तक देखते आ रहा हूँ, मैंने यही देखा हूँ, अच्छे से रहो, अच्छी चीजें बनाओ, अच्छा कोलैबोरेशन करो, आप अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे आपके, लोगों को प्यार, लोगों से बहुत सारा अच्छा अच्छा प्यार मिलेगा. तो यही सारी चीजें मेरे सेकंड पॉइंट पे आती है. पहला रेगुलर अपडेट, दूसरा अच्छे से अच्छा कंटेंट, तीसरा कोलैबोरेशन. गाइस कोलैबोरेशन में आपको पता ही है गाइस कि आप अगर कोलैबोरेशन कर रहे हो तो आपकी इंगेजमेंट रेट हाई होनी है. अगर आप कोई अच्छी जगह कोलैबोरेशन कर रहे हो, अच्छी चीज में कोलैबोरेशन कर रहे हो, अगर कोई एक्टर के साथ में कर रहे हो, कोई इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कर रहे हो, जिसके साथ में भी आप कर रहे हो, उसमें आपकी पोजीशनिंग बननी ही है. दूसरा, ऑडियंस भी आ रही है आप लोगों को, जिस तरीके की आप ऑडियंस इंगेज करोगे उस तरीके का आपका फीड अच्छा होगा, और उस तरीके से आपको और आइडिया आएगा कि आप किस तरीके का और कोलैबोरेशन कर सकते हो, और किस तरीके से आप और ज्यादा ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो. मेरे लिए 3 पॉइंट सबसे प्रायोरिटी है, बहुत अपडेट और बाकी 2 चीज. ये बिल्कुल मतलब आपने, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वीडियो का इस्तेमाल मैं वर्कशॉप में भी करूँ. ये बिल्कुल सबसे पहली और प्राइमरी बात है, और एक क्रिएटर एक कलाकार होता है, तो उन्हें इन्हीं चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि कैसे वो लगातार जुड़े रहें. और आपने जो एक बात कही कि अपडेट्स रेगुलर होने चाहिए, तो मैं बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है किस तरह से आप अलग अलग फॉर्मेट्स पे हमेशा ध्यान देते हो. आपको पता है कि रील्स आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसे फोटो अपडेट्स हुए या दूसरे तरह के वीडियोस हुए, हर चीज़ पे आप लगातार ध्यान देते हो, और उससे आपकी डिस्कवरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब नए लोगों में भी, और जो आपके एग्जिस्टिंग फैंस हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं उनसे भी आप बहुत बेहतर लगातार जुड़ते हो. और मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जो बहुत सारे क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा इस चीज का क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाया और वो वीडियो एक्सप्लोर नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी बनाया जो मुझे इतना लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे. तो गाइज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि गाइज कभी कभी ये होता है ना कि वो साउंड बोर्ड या वो हैशटैग बहुत ज्यादा, उसका एल्गोरिदम बहुत ज्यादा होता है,
तो गाइज आप लोग उस पर वीडियोज बनाओ, आप लोग ट्रेंड्स पे वीडियोज बनाओ, वो सारी चीजों पे बनाओ जिसपे लोग ज्यादा बना रहे हैं. हो सकता है कि वो भी आपके एक्सप्लोर में आए, वो भी और एक्सप्लोर हो, लोगों तक दिखे, और जब लोगों तक दिखेगी तो लोग आपकी आईडी में जाके आपकी और भी वो सारी चीजें देखेंगे जो आपने अपने दिल से बनाया जो एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक. तो वो चीज पे बहुत अच्छा लगा. अब सागर थोड़ा सा मैं यू नो प्रोफेशनल और बिजनेस सक्सेस की तरफ भी थोड़ा बात करना चाहूंगा कि लोगों को पता चले, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ, मेरी ऑडियंस बन रही है, पर इसके आगे क्या. और वहाँ आपने कहा कि यू नो ब्रांड इंटीग्रेशन वाला हिस्सा आप ध्यान देते हैं, और क्या चीजें हैं जो आपने मतलब सोच समझ के फैजू के लिए किया और वो आगे जाके रंग लाई, मतलब उससे फैजू को फायदा मिला और सबको फायदा मिला. मैं हमेशा और समीर सर और मैं ये हमेशा कहते थे कि देयर इज नेवर अ बेटर टाइम टू बी बॉर्न विद अ कैमरा. ये आज तक का सबसे अच्छा टाइम है कि आपके सामने आपके फोन पर आपका एक कैमरा है. दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी, मतलब मैं तो सब लोगों को ये कहता हूँ कि दिस इज द टाइम जब आप एक सीरियस जॉब छोड़ के आप एज अ इन्फ्लुएंसर रियल काम कर सकते हो, राइट. सो इसमें बहुत सारी मतलब एक तो आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, दूसरा आप लोगों को कुछ चीजें भी सिखा सकते हो, राइट. आप अपने नीशेस भी बना सकते हो. तो जैसे मैं अगर एक मोनेटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें मोनेटाइजेबल हैं. सबसे पहली चीज ऑब्वियसली ब्रांड इंटीग्रेशन, जैसे आपकी रीच बढ़ती है तो ब्रांड्स को आपके साथ में जुड़ना है बिकॉज उनको आपकी ऑडियंस तक के पहुंचना है. और आज की तारीख में एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एक सबसे अच्छा जरिया है एक ब्रांड को सबसे बड़ी से बड़ी ऑडियंस को पहुंचने तक के. तो पहले अपनी ऑडियंस बनाइए, फिर उसके बाद में ब्रांड्स अपने आप में आएंगे, आपको उन तक जाने की जरूरत नहीं है, राइट. उसके लिए ऑब्वियसली आप एक क्रिएटर कैसे ज्यादा से ज्यादा ब्रांड फ्रेंडली हो सकता है उस पर काफी सारे बातें किए जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप जरूर यू नो जैसे अभी फैजू एक लेवल पर है, इन्होंने इनके साथ में हमने एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, राइट, विच इज डूइंग रियली वेल, राइट. ये भी एक जरिया है मोनेटाइजेशन का. जैसे he has his own deodorant brand which is his own brand, right, and which goes you know people can directly buy it off Instagram, wo ye sari cheeze kar sakte hain, right. To ye as a influencer aapke paas mein kafi sari avenues hain apni audience tak ke pahunchne ke liye. Aur ek baar aap ek serious creator ban jate hain, ye to main keh raha hu, you know even at you know 100k followers से भी आपकी ये journey shuru ho sakti hai jahan pe aapke sath mein brands collaborate kar rahe hain. Ek baar aap ek serious size pe aa jate hain, then obviously you can do things like music videos, जो फैजू ने बहुत सारे किए हैं. I think पिछले दो साल में इन्होंने 15 music videos किए, if I'm not wrong, and that is quite a lot, right? Then obviously web series start coming to you, and a lot of creators, those who are there, do a lot of web series. And obviously एक बहुत ही mature stage पे, obviously these creators are looking at films also, right? So there is now और मेरे हिसाब से, और ये मैं एक statement की तरह, this is what I believe is that the next star is going to be born out of social media, right? The next big star is going to be born out of social media, aur ye to zarur hone wala hai, inshallah. To bahut badhiya. I think raat kafi ho chuki hai. Faizu, aap keh rahe the aap tired ho, to main bahut zyada aapka aur waqt nahi lunga, kyunki aapne bahut khaas baatein boli hain. You know aapki mehnat to sabko dikhti hai, magar saath mein jo kuch cheeze aapne boli hai wo zarur dhyan dene layak hai. I'm sure usse logo ko seekhne milega. सागर, इस तरह का जो एक सपोर्ट है एक कलाकार को, एक क्रिएटर को मिलना बहुत ही मतलब अमेजिंग बात है. सो आई होप कि आप लोगों की जो पार्टनरशिप है वो और भी स्ट्रांग होती जाए. आज एंड करने के पहले बस एक आखिरी कोई एनी यू नो एक तो मैं ये जानना चाहता था, आपने एक्चुअली मना कर दिया तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूछूँ कि नहीं पूछूँ. हमेशा मतलब साल भर में 4-5 एटलीस्ट धमाकेदार चीजें तो आप करते ही हो, तो अगली चीज क्या होने वाली है जो आपके फैंस जो यू नो जिसकी उम्मीद लगा सकते हैं कि अगली बड़ी चीज जो आपसे मिलेगी, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर. तो शेयर करना है, बट मैं भी ये बोलूंगा कि वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब बोलना, बट मैं आज मैं बोलूंगा क्योंकि आप बोल रहे हो. तो इंशाल्लाह गाइस, आप लोग ने जिस तरीके से मुझे प्यार किया है, इतना सपोर्ट किया है और मुझे इस मुकाम पे लाया है, और बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहना मुझे गाइज, और ऐसी प्यार करते रहना. इंशाल्लाह जैसे आप लोग मेरे कमेंट्स में बोलते हो पैसे हमें स्क्रीन पे देखना है, तो गाइज आपने यहाँ से यहाँ तक लेके आया है मुझे. मतलब जब मैं नॉर्मल बनाता था तो आप बोलते थे म्यूजिक वीडियो करो, जब मैं म्यूजिक वीडियो कर आपने कहा वेब सीरीज, और ये सब आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से होते हुए आया है. और गाइज मैं आज भी यही बोलूंगा कि बस
का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जरूर बस बिल्कुल हमारी तरफ से पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सागर फॉर योर टाइम ऑसम थैंक यू भाई थैंक यू सो मच सागर थैंक यू बाय गाइस आई थिंक